नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस संघर्ष विश्लेषण में आप तमाम श्रोताओं का स्वागत है। हम चर्चा करेंगे आज हमारे जो आदरणीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी हैं, उनके जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो उन्होंने दौरा किया, उस बाबत और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से सवाल है जो उठ रहे हैं लोगों के बीच, और कौन से सवाल हैं जिस पे तारीफ़ें हो रही है और हमें करनी चाहिए। और सबसे प्रमुख बात है, हम उस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या है वो वीडियो क्लिप, वो तस्वीर जो उनके आगमन के वक्त एयरपोर्ट में लोगों तक पहुंची है। हम वो भी दिखाएंगे और विश्लेषण करेंगे कि क्यों सिर्फ उस वीडियो के चलते आज संभावना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजनीति में हलचल पैदा कर सकती है वो वीडियो क्लिप, और किस करवट बैठेगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजनीतिक जो परिदृश्य है वो क्या रूप अख्तियार करने वाली है और क्या अख्तियार कर सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले माननीय गृह मंत्री जी का यहाँ दौरा, और खुशी की बात है आने के बाद जो तय हुआ था कि यहाँ के कुछ आइलैंड्स द्वीप समूह का नाम जो है परमवीर चक्र विजेता, उनके जो विजेताएं हैं उनके नाम पे रखा जाए, और उनके नाम पे रखा गया है, एक सराहनीय कदम है। क्योंकि सवाल भी उठे हैं कि वो कहाँ के थे, वो किसी और स्टेट के थे, ऐसे लोग बाग जो सवाल पूछते हैं, उनको जवाब यही है कि ज़रा सोचे कि जो एक परमवीर चक्र विजेता होता है वो अपने देश की मातृभूमि की सरहद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देता है, अपने प्राणों को बलिदान करता है, ऐसे शूरमाओं के नाम से आइलैंड्स का नामकरण किया गया। और ये कोई क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं हो सकता है। कोई परमवीर चक्र विजेता जिसने गोली अपने सीने पे खाई, वो आप उसको किसी क्षेत्र में नहीं बांध सकते। वो भारत माँ के सपूत हैं, और उनका अधिकार वैसे ही जैसे आपके पूरे भारतवर्ष में आप भारतवर्ष के नागरिक हैं, वैसे उनका भी सम्मान हमें करना चाहिए। ज़रा पूछिए उन माता पिताओं से जिनके पुत्र ने अपने प्राणों की आहुति दी इस मातृभूमि के लिए, आज उनके लिए कितने गर्व का विषय है, गर्व का दिन है। वो इसी दिन की प्रतीक्षा में थे कि हमारा लाल, हमारा सपूत जो अपने मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर किया था जिन्होंने, उनको सरकार क्या सम्मान देगी। और आज वो घड़ी आई जब उनको ये सम्मान मिला, तो इस पे कोई दो राय कायम नहीं करनी चाहिए हमें, और इसमें कोई संशय नहीं करनी चाहिए कि सरकार के ये एक सराहनीय कदम है, और वो सम्मान भारत सरकार ने उन्हें दिया है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं वो सनसनी खेज जो हमने वीडियो कहा था। ज़रा गौर से आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ, क्यों हम कह रहे हैं कि ये आने वाले वक्त में 2024 से पहले ये राजनीति को गर्मा सकता है। एयरपोर्ट में माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ, सभी पार्टी के, यहाँ के लीडर्स स्टेट के, वो सभी मौजूद थे। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं, और गौर से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ आएगा क्या हुआ था। ये वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि
गृह मंत्री जी वहाँ उतरते हैं एयरपोर्ट में, वो आगे बढ़ते हैं, सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पहले हमारे यहाँ स्टेट के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय बैरागी जी जो उनका स्वागत करते हैं, उनके दिए हुए फूल को वो स्वीकार करते हैं, शॉल पहनाया जाता है, उसके बाद वो उनके चरण छूते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए फूल लिए हुए एक्स एमपी और भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर अंडमान निकोबार के विष्णुपद राय जी, वो भी हाथों में फूल लिए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं गृहमंत्री जी, और बाकी तमाम लोगों के फूल जो हैं वो स्वीकार करते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं, और वो फूल लिए हाथों में खड़े रहते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। तो ये छवि जो है कहीं ना कहीं इस वक्त ये संदेश साफ तौर पे दे रहा है कि कितनी पकड़ जो है आला कमान में जो एक्स एमपी और फाउंडर जो भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार के हैं उनके कमज़ोर हुए हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो हैं एक तरीके से उन्होंने ये कहीं ना कहीं साफ कर दिया आने वाले 2024 के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसकी रूपरेखा क्या होगी और किनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। क्या उनको इस तरीके से नज़रअंदाज करना गलत हुआ है, क्या करना सही रहा, या माननीय गृह मंत्री जी ने उनको देखा ही नहीं या उन पे नज़र नहीं पड़ी थी। और परिचय के दौरान ये वीडियो क्लिप जो दिख रहा है सामने ये नज़र आया, और ये हताश करने वाले उनको भी हैं जो इनके समर्थक है एक्स एमपी विष्णुपद राय जी के। तो कहीं ना कहीं अब ये माहौल गर्माता हुआ नज़र आ रहा है, हलचल तेज हो गई है। हम ये जो तस्वीर सामने आ रही है इस समय, हम माननीय विष्णुपद राय जी से भी इसकी बाबत उनसे उनकी प्रतिक्रियाएं लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अजय बैरागी जी जिनसे भी हम कोशिश करेंगे कि उनके भी प्रतिक्रिया क्या है वो भी साफ करें। लेकिन बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इशारा करती है उनको नज़रअंदाज करना कि आने वाले वक्त में अंडमान निकोबार की राजनीति किस करवट बैठेगी और माहौल किस हद तक गर्माएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो सम्मान एक फाउंडर को मिलना चाहिए, क्या वो सम्मान उनको प्राप्त हुआ, क्या उनको देना चाहिए, जहाँ पे हाल ही में कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष जी का यहाँ दौरा हुआ था, और दौरे के वक्त उन्होंने पार्टी मीटिंग में भी ये कहा था कि हमें अपने जो सीनियर्स हैं, जो पुराने लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान करना चाहिए और ये ज़रूरी है, और ये हमारे पार्टी की जो हैं वो छवि को सुधारती है और मजबूती प्रदान करती है। तो क्या इस वीडियो से, इस तस्वीर से ये झलक रहा है? और सबसे सर्वप्रमुख, आपने देखा होगा जब हमारे सबसे आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ, उसके बाद माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं दौरान पैदल निकले
साफ तौर पे उनकी भावुकता, उनका गम, उनका दुख उनके चेहरे से झलक रहा था। और ये उन्होंने भी कहा था कि ये क्षति पूर्ति कभी नहीं हो सकती। तो एक आला सीनियर, जो वरिष्ठ, जो आपके नेतृत्व है, नेता है, उनको सम्मान की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से बनी रही है, तो क्या इसे तोड़ना सही होगा? ये आपको बताना है, जनता बताए, व्यूअर्स बताए। इस तस्वीर को एक बार फिर गौर से देखें कि कैसे अमित शाह जी का आगमन होता है, अभिवादन स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, उनको फूल दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, शॉल पहनाए जाते हैं, आशीर्वाद लिए जाते हैं, और उसके बाद फाउंडर और एक्स एमपी उनको नज़रअंदाज करते हुए वो बाकियों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और उनको नज़रअंदाज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में संकेत दे रहा है कि राजनीतिक माहौल जो है अंडमान निकोबार का, वो गर्माने वाला है। और अब हमारी नज़र रहेगी उस पर, और अपनी प्रतिक्रियाएं आप ज़रूर दें व्यूअर्स, कि आप इस पर क्या कहते हैं, आपका क्या कहना है और आपकी राय क्या है। आज संघर्ष विश्लेषण में इतना ही। हम आगे विश्लेषण के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।